आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB सेकंड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड से रिलेटेड MCQ के बारे में। चैनल पर नए आए हैं, लॉ एंड GS से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में। ए ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्वेश्चन, नेमो डिबेट विस बेगजरी सिद्धांत संबंधित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, दोहरे परिसंकट से। क्वेश्चन नंबर 4, TMA फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का मामला संबंधित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 5, इन री केरल एजुकेशन बिल का मामला संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने व उनके प्रशासन के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के विरुद्ध निम्न किस प्रकार के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी ABC में जो कहा गया है, मतलब ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 9, पृथक्करणीयता का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 13 से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है। NCERT। क्वेश्चन नंबर 11, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना कितने मास से अधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 3 माह। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में सम्मिलित स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी के उदाहरण हैं।
तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकार निम्न में से किसके विरुद्ध उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी के। क्वेश्चन नंबर 15, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी स्थितियों में, मतलब प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में, आपात उद्घोषणा के अधीन और जब सेना विधि लागू हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लॉ एंड जीएस के लिए।